बेटी अगस्त नंदा की फिल्म द आर्चीज के लिए अमिताभ बच्चन खूब प्रमोशन कर रहे हैं और उन्होंने क्या ये फिल्म देखी होगी? अगर देखी होगी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि पहली ही फिल्म में किसिंग सीन देकर हर कोई शॉक रह गया। पहली फिल्म में सुहाना खुशी ने दिए किसिंग सीन, डेब्यू फिल्म में छाई सुहाना और खुशी। डायरेक्टर जोया अख्तर की बनाई फिल्म द आर्चीज रिलीज होने के बाद सुहाना खान और अगस्त नंदा और खुशी कपूर सिनेमा की दुनिया में कदम रखते ही छा गए। शाहरुख खान की लाडर सुहाना खान ने इस फिल्म में बोरिनिका लॉज का किरदार निभाया। बोरिनिका और आर्ची एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसमें सुहाना और अगस्त साथ में रोमांस करते दिखाई दिए, वो भी किसिंग सीन के साथ। इतना ही नहीं, दोनों के बीच क्यूट सा किसिंग सीन भी है। अब मूवी की रिलीज के बाद इस सीन के चर्चे होने भी लाजमी है। अपनी डेब्यू फिल्म के साथ ही सुहाना ने तूफान उठा दिया, और सिर्फ सुहाना ही नहीं, खुशी कपूर भी पीछे नहीं। द आर्चीज में लीड रोल में है खुशी कपूर। वो आर्ची की बचपन की बेस्ट फ्रेंड बेटी कपूर का रोल निभा रही है। बेटी सालों से आर्ची को पसंद करती है। ऐसे में खुशी कपूर को भी आर्ची बने अगस्त नंदा को किस करते आप फिल्म पे देखेंगे। आर्ची और बेटी के रोल में दोनों का काम काफी अच्छा रहा, लेकिन नाती को इस रोल में देखकर अमिताभ बच्चन के रोंगटे खड़े हो गए। आर्चीज को खूब पसंद किया जा रहा है, और ऐश्वर्या भी इस फिल्म को देखने गई। क्या वो पूरे बच्चन परिवार के साथ इस फिल्म को देखने गई होंगी? नाती को इस तरह से देखकर बच्चन परिवार के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अमिताभ के नाती अगस्त के अब तो कई क्लिप्स भी वायरल होने लगे। सुहाना खुशी और अगस्त के किसिंग सीन के वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसी ही एक मीम को रवीना टंडन ने लाइक किया, और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि रवीना ने अगस्त नंदा की एक्टिंग पर निशाना साधा है। अलग अलग मीम्स में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा और श्रीदेवी की बेटी व जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर को ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ही एक मीम को रवीना टंडन ने लाइक किया, जिस पर अगस्त नंदा और खुशी कपूर नजर आ रहा, और कैप्शन में लिखा, इधर एक्टिंग की मौत हो गई। एक तरह से इनके सीन की हंसी उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है, और ये सब अमिताभ बच्चन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। द आर्चीज 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे जोया अख्तर ने बनाया। फिल्म की कहानी भी जोया के साथ ही रीमा लागती और आयशा ने लिखी है। फिल्म में अगस्त नंदा, सुहाना खान, खुशी कपूर, वेदांग, मिहिर, युवराज जैसे कई स्टार शामिल हैं। फिल्म को क्रिटिक्स से ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं, हालांकि दर्शकों ने इसे नकार सा दिया। अब कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अमिताभ बच्चन अपने नाती का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं। अक्सर बॉलीवुड में स्टार किड्स को लॉन्च किया जाता है। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऐसी फिल्म रिलीज हुई, जिसके जरिए 3 स्टार किड्स को एक साथ लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग की गई है गली बॉय और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जोया अख्तर ने। फिल्म का नाम द आर्चीज। फिल्म के जरिए शाहरुख खान की बिटिया सुहाना खान, बोनी कपूर, श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा को लॉन्च किया गया। फिल्म मशहूर कॉमिक्स पर बनी है। आइए जानते हैं फिल्म कैसा रहा, जोया अख्तर का डायरेक्शन और कैसे कर पाए स्टार किड्स एक्टिंग। द आर्चीज की कहानी ज्यादा मायने नहीं रखती, यहाँ फोकस है सुहाना अगस्त और खुशी पर, क्योंकि ये उनकी लॉन्चिंग मूवी है और तीनों ही बड़े फिल्मों घरानों से हैं। यही बात पूरी फिल्म पर हावी भी रहती है। हम कहानी की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहानी पर फोकस को डायरेक्टर जोया अख्तर भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कॉमिक्स की दुनिया को रचने की कोशिश की और सब कुछ बहुत ही विदेशी रखा। कहानी ग्रीन पार्क और लव ट्राइंगल के बीच झूमती नजर आती है। फिल्म में ना ही कोई उम्दा कहानी है, ना ही डायरेक्शन और ना ही खूब अच्छी एक्टिंग है, लेकिन फिर भी इन तीनों स्टार किड्स पर नजरें हैं। दर्शकों को भी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन आप इस फिल्म के सीन को लेकर क्या कहेंगे? क्या पहली फिल्म में इन तीनों स्टार किड्स ने किसिंग सीन कर धमाल मचा दिया? क्या इसी सीन के लिए ये मूवी बनी है?